इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वेस्टर्न रीजन का कन्वोकेशन आज इंदौर के रेसकोर्ट रोड पर लाख मंडपम में आयोजित किया गया। यह आयोजन पहली बार इंदौर में होने से इंदौर रीजन की कंपनी सेक्रेटरीज में काफी उत्साह का माहौल देखा गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में हाई कोर्ट के जज वीरेंद्र सिंह, ICSI के प्रेसिडेंट रंजीत पांडे व उजास कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुराग मुंद्रा उपस्थित थे। वाइस प्रेसिडेंट आशीष गर्ग और सेक्रेटरी अशोक कुमार दीक्षित के साथ ही वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल के चेयरमैन आशीष करोड़िया भी कन्वोकेशन में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के दौरान 550 विद्यार्थियों एवं 5 साल पूरे करने वाले फेलो सदस्यों को उपाधि प्रदान की गई। I will read, you have to just follow. महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था, कार्यक्रम के दौरान अलग अलग कैटेगरीज में मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में स्टूडेंट्स के परिजन भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में स्वच्छता को लेकर शपथ भी दिलाई गई एवं सूरत में हादसे का शिकार हुए बच्चों के लिए 2 मिनट का मौन भी धारण किया गया। कंपनी सेक्रेटरीज के कार्यक्रम में एक बहुत ही अच्छी बात देखने को मिली, अतिथियों के स्वागत सत्कार पर जो खर्च होता है उसमें से एक सम्मानित राशि 5 लाख रुपए को शहीद के परिजन की बेटी के नाम पर एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। यह आयोजन पिछले 2 वर्षों से लगातार किया जा रहा है। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का दीक्षांत समारोह था और ये हम चारों रीजन में करते हैं ऑल इंडिया बेसिस पे, और हमारा दक्षिण भारत का हो चुका है, उसके बाद हमारा पूर्वी भारत का भी हो चुका है और आज यहाँ वेस्टर्न रीजन का कन्वोकेशन था। इसमें तकरीबन 550 बच्चे एलिजिबल थे, उनमें से करीब 350 बच्चों ने आज पार्टिसिपेट किया और कन्वोकेशन काफ़ी अच्छा रहा। उत्साह बच्चों का बहुत ज़बरदस्त था और ये हमारी नई पीढ़ी है कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन के लिए, जो कि आगे जाके हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के पश्चिम क्षेत्र का, वेस्टर्न रीजन का ये कन्वोकेशन हमने इंदौर में किया था। इसके पहले जो नॉर्मली कन्वोकेशन है वो बॉम्बे में होते हैं, पर 2 साल पहले हमने डिसीजन लिया कि कन्वोकेशन को हम Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में भी ले जाएंगे, जिसके तहत लास्ट ईयर हमने अहमदाबाद में किया, फिर पूना में किया, तो ये इंदौर में ये कन्वोकेशन पहली बार हो रहा है। इसमें लगभग 550 विद्यार्थी जो हमारे मेंबर्स बन गए कंपनी सचिव, उनका ये कन्वोकेशन था और लगभग 250 के आसपास कंपनी सचिव आज प्रेजेंट थे, जिनको हम लोगों ने डिग्री दी। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन भी रखा था किसी नाम? इसके अलावा जो हमारा है रेगुलर बेसिस पे हमारा प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अलग अलग कैटेगरीज में मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो हैं उन सबको हम प्राइस देते हैं, तो वो भी साथ में कन्वोकेशन के साथ में ही होता है। उन लोगों को हमने अपनी डिग्री प्राइस भी दिया है, साथ में फेलो मेंबर को भी, साथ में हमने फेलो मेंबर जो हमारे 5 साल जिन लोगों को हो गए हैं उनको भी हमने डिग्री दी है, उनको भी हमने सम्मानित किया। बेटी का कंसेप्ट हमारे यहाँ अभी 2 साल पहले से आया है और ये एक नया कंसेप्ट है, जिसमें जो भी अमाउंट, जो भी निर्धारित राशि किसी भी गेस्ट वगैरह जो भी आते हैं इंस्टीट्यूट में, और उनको सम्मानित करने के लिए हम कुछ भी मोमेंटो देते थे, पहले फ्लावर बुके देते थे, अब उन सब की जगह शहीद की बेटी का सर्टिफिकेट देते हैं और जो निर्धारित राशि हमको खर्च करना होती है वो राशि शहीद की बेटी जो फंड है उसमें भेजते हैं और वो राशि उसी के नाम से जाती है जिसका सम्मान करते हैं। करीब 2 साल पहले सबसे पहला शहीद का सर्टिफिकेट जब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को दिया था।